टॉपिक है आरती को लेकर, कि आरती हर जगह घुसते हुए नजर आती है। अब जैसे कि सिड्रा है, सिद्धार्थ और रश्मि, इन दोनों के रिलेशन में कहीं ना कहीं आरती का नाम आता है, कि आरती इनके रिलेशन में कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में थी। अब यहाँ पर घर में आने के बाद सिडनास बना है, सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी बनी, यहाँ पर भी आरती है, तो क्या हाँ, कहना है यहाँ पर मैं तो यही इसके? कहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी वो हर बेगानी जगह शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही है। और जिस तरीके से रश्मि ने बताया था कि हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े जो सिद्धार्थ और उनके बीच हुए थे, तो वो भी रश्मि के मतलब आरती के थ्रू उनकी बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं बाहर भी वो यही रोल प्ले कर रही है अब्दुल्ला दीवाना वाला। और घर के अंदर जहां भी सिद्धार्थ और शहनाज की बात होती है, तो वहां आरती के कान लगे ही रहते हैं। बिल्कुल और अभी जैसे रजत शर्मा की जो अदालत लगी है, उसके अंदर इनसे सवाल पूछा गया है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या सिद्धार्थ के साथ तुम्हारी शादी वादी को लेके कुछ पूछा है उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि वैसे मैं तो नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मेरी किस्मत में ये लिखा होगा तो इसी के साथ होगी और इसे मुझे झेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बार बार उनके घर वाले और मतलब इस सिद्धार्थ के टॉपिक साथ, को छेड़ हाँ, दे कि रहे हैं। सिद्धार्थ के साथ शादी शादी को लेके इतना ज्यादा कर रहे हैं कि मतलब सच में आरती और सिद्धार्थ की शादी वो कराने ही वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से मतलब सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी है, मुझे नहीं लगता आरती से उनकी इतनी बनती है, या आरती को बहुत कुछ बोल भी देते हैं लड़ाई झगड़े में, और यहाँ तक कि बस ये है कि दोस्त हैं वो लोग। और जो सिद्धार्थ ये बार बार ये शादी शादी को लेके बात करे, इससे अब सोशल मीडिया पे भी लोग भड़क चुके हैं, क्योंकि सिडनाज के जो फैंस थे वो आरती को अब्दुल्ला आरती बोल के हैशटैग जो है वो ट्रेंड शुरू हो हुआ रहा था है, बिल्कुल। क्योंकि आरती बार बार सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में आती है। जब आपने वो देखा होगा एपिसोड जिसमें सिद्धार्थ को बोलती हैं कि तू पहले, मैंने तेरे को ऐसा कभी नहीं देखा, और शहनाज वहां पे खड़ी रहती हैं, तो उस उन दोनों की जो कन्वर्सेशन होती है, तो उसमें आरती क्वेश्चन पूछती रहती है कि अच्छा तुम आगे मतलब तुम इसे क्यों पसंद करते हो, क्या चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर सबके बीच जब कोई जोड़ी होती है तो उसके बीच में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिद्धार्थ और शहनाज की जो जोड़ी है उसमें कहीं ना कहीं हर जगह कान लगाई रहती है, और कहीं ना कहीं बार बार उनके बीच में आने की कोशिश करती है, और उनके घर वाले भी चाहते हैं कि सिडनाज के बीच में वो आ जाए, क्योंकि बिल्कुल जैसी सिड्रा जो मतलब सिद्धार्थ आरती का जो चल रहा था कि सिद्धार्थी सिद्धार्थी मतलब हैशटैग चल रहा है, सिद्धार्थ, हाँ हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो कश्मीरा ने बोला था वो फेक था, और इस पे लोगों ने बोला भी कि ये चीजें तो ऐसी हुई भी नहीं है, लेकिन ये घर के अंदर ऐसे जाके बोल रहे हैं, और उन्होंने भी कहा था कि ऐसा है नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए। तो सिडनास को इनके घर वाले भी तोड़ना चाहते हैं, आरती भी तोड़ना चाहती हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो उनकी तरह उनकी बॉन्डिंग हो पाएगी, और वो मतलब आरती बस घुस रही है बीच के। में रजत शर्मा अपनी अदालत लगाकर घर में घर वालों से सवाल कर रहे हैं, तीखे सवाल चल रहे हैं, सवाल जवाब का सिलसिला जो चल रहा है। इसी बीच हमने यहाँ पर एक ऐसी चीजें देखी है जो कि डे वन से अभी तक काफी ज्यादा लाइमलाइट में बनी रही, और वो है सिड्रा यानी कि सिद्धार्थ और रश्मि का रिश्ता। इन दोनों का रिश्ता है कैसा, क्या इक्वेशन है, इसी चीज पर रजत शर्मा ने भी यहाँ पर कई तरह के यहाँ बातें उनसे निकलवाने की कोशिश की। तो क्या लगता है दर्शक, यहाँ पर कुछ खुलासे हुए हैं कितना करने के हाँ, बाद? मतलब जैसे लोग काफी एक्साइटेड थे कि इन दोनों का जो रिलेशन था क्या हुआ, किस चीज को लेके इन दोनों के बीच इतनी कड़वाहट है, क्या लड़ाई झगड़े जो भी हैं, सभी उनके फैंस भी जानने के लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि जब ये दिल से दिल तक शो में थे तो लोग इन्हें काफी पसंद करते थे, और उसके बाद से कभी किसी शो में दिखाई नहीं दिया। जब बिग बॉस के अंदर आए थे तो स्टार्टिंग में पहले हफ्ते बहुत अच्छे से ये लोग पिलो फाइट करना, या फिर वो दिल वाला जो टास्क हुआ था वो भी रश्मि ने सिद्धार्थ को दिया था, यहाँ तक कि स्टेज पे भी रश्मि ने सिद्धार्थ को ही चुना था क्योंकि बिल्कुल वो उन्हें पहले से जानती हैं। तो सभी लोग, सबने ये सोचा था कि जो इनका जो रोमांस और जो स्टोरी और मतलब इनकी केमिस्ट्री जो दिल से दिल तक में देखने को मिलती थी, क्या पता वो इस यहां शो पे में भी भी देखने देखने को को। और मिले। जब ये दोनों साथ में आए थे तो यही लग रहा था कि दोनों की लव स्टोरी बनेगी, और इनको कुछ मतलब हो सकता है कि जैसे शादी की खबरें आ रही थी इनकी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इनकी लड़ाइयां शुरू हुई और मतलब पुरानी बातें बीच बीच में आ रही थी कि
वजह से मैं इससे दूर हूँ, ये है, तो उस चीज को लोग जानने के लिए काफी एक्साइटेड थे। और अब जब रजत शर्मा की अदालत घर के अंदर लगी हुई है तो इस बात का भी खुलासा हो चुका है, क्योंकि रजत शर्मा ने जब रश्मि से पूछा था कि तुम्हारा क्या रिश्ता है दिल से दिल तक का, तो उन्होंने कहा हाँ हम दोनों का रिश्ता दिल से दिल तक का है। और बहुत सारी उन्होंने बातें पूछी थी कि क्या स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस होते थे, जैसे रश्मि ने ये चीजें शो के अंदर बोली थी कि ये मेरे स्क्रिप्ट चेंज कर देता था या ऐसे कुछ कर देता था, तो रश्मि इस बात से कल मुकर गई कि नहीं स्क्रिप्ट वाली कोई बात नहीं थी, और बस ये होता था कि सेट पे हम दोनों के बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, हम दोनों में बनती नहीं थी, इसके अंदर जो मैंने बार बार बोला है कि इतने बड़े शरीर में 10 साल का बच्चा है तो इसकी जिद और इसको तमीज जो है वो नहीं है, क्योंकि वो चिढ़ाता रहता है और मुझे इस तरीके के लोग पसंद नहीं है क्योंकि मैं बहुत मैच्योर हूँ। तो रश्मि ने कहीं ना कहीं जो पहले बातें बोलती थी उससे हटते हुए और दूसरा एंगल लेके आई कि मैं इस वजह से इससे दूर रहती हूँ। वहीं जब सिद्धार्थ कटघरे में आए तो उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो सिद्धार्थ ने ये चीज बोली कि मैं इसे बहुत पसंद करता था, यहाँ तक कि वो BMW वाली जो बात शो के अंदर आ रही थी तो ये भी हुआ था कि BMW जब सिद्धार्थ ने खरीदी थी तो सबसे पहले उसमें रश्मि देसाई ही बैठी थी, और दोनों की जो मतलब सेट पे कुछ टाइम तक ये दोनों बात नहीं करते थे, उसके बाद से दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, और दोनों का मतलब कुछ टाइम तक इनका कुछ रिश्ता चला था, क्योंकि रश्मि ने इस बात से भी मुकर गई थी कि जिस तरीके से आरती ने उन्हें कॉल करके बुलाया था तो इसकी भी सफाई उन्होंने दी कि मैंने इसे ब्लॉक कर दिया था, हमारी बहुत गंदी कन्वर्सेशन हुई थी फोन पे, तो इस वजह से इसने मेरे को सॉरी बोला, उसके बाद से हम दोनों अलग हो गए और हम मतलब अपने हमने कहा छोड़ो जो हुआ उसे खत्म करते हैं और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। फिर अब सिद्धार्थ ने ये बोला है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, कुछ टाइम हमारी बातें हुई थी, लेकिन सेट पे इनकी मतलब कंट्रोवर्सी कुछ हो गई थी सेट को लेके कि बार बार खबरें आरती के सेट पे ऐसा माहौल है वैसा माहौल है, तो ये सारी चीजें रश्मि करती थी, लेकिन जो आर्टिकल छपा था वो सिद्धार्थ ने कहा कि जो हरकतें रश्मि करती थी वो आर्टिकल मेरे नाम पे छपा कि मेरी वजह से ये चीजें सेट पे हो रही हैं, और इसी वजह से मैं हाँ इसी का उसके बाद से जब मैंने ये चीजें सोची कि ये तो मतलब रश्मि करती है और ये मेरे नाम पे छपा है तो और ये रश्मि ने छपवाया था, तो इस चीज का वो उसके बाद से उनके मन में बैठ गया कि अब इससे बदला लेना है, तब से उनकी आज तक नहीं बनी, और इसी चीज की ये जो कड़वाहट है इनके अंदर ये आज भी दिख रही है घर के अंदर। बिल्कुल, अब मैं अगला सवाल प्रशांत तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब घर में आई थी तो उस वक्त एक सवाल रिपोर्टर ने पूछा था रश्मि से कि आपने सिद्धार्थ के साथ एंट्री जब ली थी घर में तब आपका इक्वेशन बहुत अच्छा था, काफी फ्रेंडली थे आप लोग, अच्छे से रह रहे थे, कुछ टाइम के बाद आपने उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए, उसके बाद फिर हमने देखा कि अरहान जब घर में आए तो फिर आप बहुत ज्यादा उनसे लड़ाई झगड़े करने लग गई, फिर जैसे अरहान चले गए आप वापस से उनसे बात करने लग गई, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप सिद्धार्थ के साथ रिश्ता रखते हो, आपका इक्वेशन कैसा है, तो अब उस चीज पे तुम्हारा क्या कहना है कि अभी जो रजत शर्मा इतनी मशक्कत कर रहे हैं खुलासे करने के लिए इनके बीच हुआ क्या था, तो एक्चुअल में कुछ लगता है कि सिद्धार्थ और रश्मि में कुछ इतना बड़ा कुछ था कि रश्मि यहाँ पर उस चीज को घसीटते चली जा रही है और सिद्धार्थ यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टार्टिंग से अभी तक वही बोलते हैं। देखिए रश्मि को लेकर क्या मुझे ऐसा लगता है कि रश्मि सिर्फ गेम ही खेल रही थी, जिस तरीके से वो चीजों को पहले बोल रही थी कि बहुत कुछ था या बहुत कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो यहाँ पर बहुत स्मार्ट प्ले भी कर गई, इवन वो रजत शर्मा के आगे भी बहुत स्मार्ट प्ले कर गई, अगर कुछ है तो वो बता ही नहीं पाई उन्होंने, इतना करने पर भी चीजें नहीं बताई, या फिर कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ गेम में बने रहने के लिए उनका सिर्फ गेम था, जैसे कि हमने देखा ही था कि जब शो शुरू हुआ था सिद्धार्थ को देख करके वो काफी जो वो राउंड वाला था जिसमें देखे कि हाँ चलो कोई अंदर है जानने वाला, मेरे अपना पहले शो में हस्बैंड रह चुके हैं, बहुत हंसते हुए उन्होंने कहा था, हाँ तो काफी अच्छी लग रही थी चीजें कि हाँ सही रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई, प्रॉब्लम उस दिन क्रिएट हुई जब दिल वाला टास्क हुआ, तुम्हें याद होगा जब दिल रश्मि ने दिया और उन्होंने एक ऐसा कोई बोल दिया कि और जानने की कोशिश, बिल्कुल
तो ये बात सिद्धार्थ को भी पिंच हो गई कि मतलब साथ में अभी काम करके ही आए हैं, इतना तो जानती हो, और मुझे जानने के लिए तुम्हें अभी और जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से उन्होंने वो दिल आरती को दे दिया। तो कहीं ना कहीं रश्मि को भी ये होती है, ईगो वाली चीज होती है, मतलब मेरे साथ तो रिलेशन जैसा भी रहा ही रहा है तुम्हारा, इसके अलावा हमने साथ में काम भी किया है, ऑन स्क्रीन ही हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले किया है, उसके बावजूद भी आरती की मेरी जगह तुमने आरती को ही चुन लिया। तो उस दिन के बाद से कहीं ना कहीं रश्मि जो है वो सिद्धार्थ के अगेंस्ट जो होती, उसी दिन से लड़ाई शुरू हो गई थी, उसी दिन से तो के बस दिख गया रंग, सिद्धार्थ ने बस दिख गया रंग इसका, अभी तक तो बोली थी और जाने की कोशिश है ये और वो, अब मैंने इसको नहीं चुना तो देखो कैसे ये पलट रही है, कैसी चीजें कर रही है। उस दिन के बाद से ही चीजें बदलती चली गई। फिर दूसरी तरफ जो पारस थे वो भी सिद्धार्थ को पसंद नहीं करते थे, तो फिर रश्मि ने सोचा चलो क्यों ना इसकी चीजों को बाहर लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें क्रिएट करी गेम में बने रहने के लिए। अब रही अरहान की बात, तो अरहान जब घर में आए ये चीज लगती थी देखने में कि अरहान के आगे कोई अलग ही एनर्जी सी माता चढ़ जाती थी रश्मि पर, कि वो सिद्धार्थ के पीछे पड़ जाती थी, और जब वो चले जाते थे तो अरहान जब चले गए थे तो सिद्धार्थ की रश्मि से पटने लग गई। तो कहीं ना कहीं रश्मि कोशिश कर रही थी कि मैं चल लड़ाई करके भी देख लेती हूँ सिद्धार्थ के साथ कैसा जाता है, अगर लड़ाई के साथ मेरे को सिंपथी मिलती है और वो नेगेटिव जाता है तो भी अच्छा है, और अगर मैं उसके साथ अच्छा करती हूँ तो दर्शक तो भी मुझे देखेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही देखा जाए तो रश्मि देसाई को लोग जो बोल रहे थे कि कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं दिख रही, वो तो यहाँ पर डबल डबल तरीके से गेम खेल रही थी जिस तरीके से उन्होंने खेला।